दूसरे ओडीआई मैच में भारतीय टीम की इंग्लैंड के खिलाफ करारी शिकस्त के बाद भारत की हार का ठीकरा फैंस ने भारतीय स्पिनर्स कुलदीप और कुणाल के सर फोड़ दिया है। और अगर आपने भी मैच देखा होगा तो आपको भी यही लग रहा होगा। इंग्लिश बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनर्स को इतने छक्के मारे कि हो सकता है उनको रात में भी इन्हीं छक्कों के सपने आए हों। भारतीय स्पिनर्स ने मैच में कुल 16 ओवर डाले और 16 ओवर में ही उन्होंने 156 रन इंग्लैंड के बल्लेबाजों को दे दिए। कुरनाल ने जहां 6 ओवर में 72 रन खाए तो वहीं कुलदीप ने 10 ओवर में 84 रन पिटा डाले। तब से ही सोशल मीडिया पर दोनों की ट्रोलिंग शुरू हो गई है, क्योंकि कुरनाल अभी नए हैं इसलिए कुलदीप ही सभी के निशाने पर अधिक आए हुए हैं। कुलदीप की बॉडी लैंग्वेज भी मुकाबले में काफी थकी हुई और बेबस सी नजर आ रही थी। हालांकि कुछ ट्वीट्स कुलदीप के पक्ष में भी आए हैं जिनसे उम्मीद है कि उनका मनोबल भी उठा होगा। यहां तक कि संजय मांजरेकर ने भी कुलदीप के पक्ष में बात करते हुए पिच को स्पिनर्स की पिटाई का कारण बताया। स्पिनर्स के पिटने के बावजूद भारतीय तेज गेंदबाजों ने मैच में अच्छी गेंदबाजी की और अपना दूसरा ओडीआई मुकाबला खेल रहे प्रसिद्ध कृष्णा ने भारत को मैच में वापसी का एक मौका भी दिलाया, लेकिन अन्य गेंदबाज इस मौके को भुना नहीं पाए। कृष्णा ने 10 ओवर्स में 5.80 की इकोनॉमी से 58 रन दिए और 2 जरूरी विकेट भी झटके। भुवनेश्वर कुमार ने भी 10 ओवर में 63 रन देकर एक विकेट चटकाया, जबकि शार्दुल ठाकुर ने 7.3 ओवर में 54 रन दिए। इस मुकाबले में भारत को एक गेंदबाज की बहुत कमी खली। हालांकि हार्दिक पांड्या टीम में खेल रहे थे, बावजूद इसके उनकी फिटनेस को ध्यान में रखकर उनसे गेंदबाजी नहीं करवाई गई।